एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और आज है भाई दूज, सो आप सबको हैप्पी भाई दूज, आपके और आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से भाई दूज की बहुत सारी शुभकामनाएं। और अभी हमारे यहाँ कैसे होता है भाई दूज, वो मैं आप लोग को साथ शेयर करूँगी। सो आप लोग बने रहिए और आगे तक वीडियो देखिएगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो आइए देखते हैं कि हमारे यहाँ कैसे होती है भाई दूज की जो पूजा। घर ये खाना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं हीरो खाने में? अच्छा बता तो दीजिए क्या क्या खाए हैं। चलिए कौन है, गुड मॉर्निंग तो बोलिए। हम टकाटक, अभी तो उधर मम्मी गोधन जो बनाया जाता है गोबर का वो बना रही हैं, उसके बाद से पूजा होगा शुरू। और आज ये आदमी हमें यहाँ अकेले छोड़ के जाने वाले हैं। हीरो आप तो नहीं है ना? रंगोली जो कि अभी थोड़ा थोड़ा ख़राब हुआ है। तो यहाँ पे मम्मी हैं और ये एक बगल की चाची हैं और ये सब उनके बच्चे हैं और ये बड़ी माँ हैं एक। तो ये यहाँ पे लोग शराब रहे थे, उसके बाद मैं आई थी। तो मैं मम्मी से पूछ रही थी और उसके बाद से कैसे करना है, मैंने पूजा किया। और ये भाई दूज में होता है कि पहले शराब के भाई को मारा जाता है, फिर जियाया जाता है, उसको जीवित किया जाता है गीत गा कर ऐसे करके, और लास्ट में गोधन कूटते हैं। तो वहीं ये हो रहा था, तो अभी ये लोग गीत गाएंगे। और घर पीछे में ये जा रहे हैं बाइक से, तो ऐसे मैं चली गई थी बीच में घर के अंदर, क्योंकि बड़े माँ के यहाँ काम चल रहा था तो बहुत सारे लोग थे और द्वार पे ये सब हो रहा था इस वजह से। और अभी ये हो रहा है, रुई को जोड़ा जाता है, मीन्स ये नियम होता है कि वो भाई का हम आयु जोड़ रहे हैं बढ़ाने के लिए, तो वहीं ये नियम हो रहा था। और इसके बाद से कूटेंगे गोधन बाबा को। गांव में बड़े गोधन जो बनाए जाते हैं वो बनाते हैं, यहाँ पर बस वहाँ का गोबर लाकर थोड़ा सा और नीम कर लेते हैं। मम्मी लोग गाँव में अंदर नहीं जाते हैं और ये नीम से करके बगल बगल के मिलकर कर लेते हैं करके। हम देख सकते हैं आप लोग, हमारे यहाँ आज अचानक से बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है और हवा भी चल रहा है, पूरा बादल बादल हुआ है। अभी आप लोग देख सकते हैं हमारे यहाँ फिर बारिश हो रही है और मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा। तो हमारा पूजा हो गया है और गोधन भी कुटा गए हैं, हीरो तो चले गए, उनको कंपनी जाना था, मीन्स उन्होंने छुट्टी नहीं लिया था ज़्यादा, बस एक 13 को लिया था और एक 15 को लिया था, 14 को दिवाली को तो छुट्टी था। सो
आज वो चले गए, आज से ज्वाइन करना था कंपनी और फिर आएंगे वो छठ के टाइम में, मीन्स 18 या 19 के सुबह में आएंगे वो। और अभी शाम हो गया है, शाम के 6 बज रहे हैं और मैं करने जा रही हूँ नाश्ता। ये है भुजा और आलू चॉप, पापा जी बाज़ार से ख़रीद कर लाए हैं। सो अभी मैं नाश्ता करूँगी, उसके बाद से बनाऊँगी चाय। जब थोड़ी थोड़ी ठंडियाँ, बहुत ठंडा लग रहा है यहाँ पे, अभी बारिश हुआ जो दोपहर में, उसके बाद। और ये बन गया हमारा चाय और इसके बाद मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया है। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।